तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि फ्यूचर का एक क्रिमिनल रोबोट डोरेमोन के साथ सोल चेंज कर लेता है। डोरेमोन रोबोट की बॉडी में है और वो रोबोट डोरेमोन की बॉडी में। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम फ्यूचर में टोक्यो शहर को देखते हैं। वहाँ के एक बैंक में एक रोबोट आता है और आते ही एक ताकतवर गन से वहाँ पर हमला कर देता है और पूरा बैंक तबाह कर देता है। बैंक तबाह करने के बाद वो वहाँ के सारे पैसे लूट कर भाग जाता है। उसके बाद नोबिता और डोरेमोन को देखते हैं। आज डोरेमोन का बर्थडे था तो नोबिता डोरेमोन के बर्थडे गिफ्ट के लिए एक स्टैचू बना रहा था जो कि डोरेमोन का था, लेकिन डोरेमोन की लाल नाक के लिए एक लाल मार्बल की जरूरत थी। उस लाल मार्बल को ढूंढते ढूंढते नोबिता डोरेमोन का एक डोरा केक खराब कर देता है। डोरा केक पूरा खराब हो गया था जिसको देख कर डोरेमोन को काफी गुस्सा आता है और दोनों की लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ पर डोरेमी आती है जो आते ही बोलती है कि भैया आपका आज चेकअप है और मैं आपको लेने आई हूँ। डोरेमोन तो फुल गुस्से में था और नोबिता से लड़ाई करके फ्यूचर में निकल पड़ता है। डोरेमी बोलती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी और डोरेमोन के पीछे फ्यूचर में जाती है। ये दोनों फ्यूचर में आ गए थे जहाँ पर डोरेमी बोलती है नोबिता तुम्हारी बहुत केयर करता है, आपको नोबिता के साथ रहना चाहिए। यही बातें करते करते वो दोनों चेकअप वाली जगह पर आ जाते हैं। डोरेमोन डर जाता है लेकिन डोरेमी डोरेमोन को जबरदस्ती लेकर जाती है। डोरेमोन सब्स्टिट्यूशन रोप इस्तेमाल करता है। उस रोप से एक बंदे की सोल दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। अब डोरेमी डोरेमोन था और डोरेमोन डोरेमी था, लेकिन डोरेमी काफी चालाक थी और वो वापस से सोल चेंज कर लेती है और डोरेमोन को अपने साथ ले जाती है। डोरेमोन का चेकअप स्टार्ट होने वाला था। डोरेमोन बोलता है तुम लोग एक रोबोट को मार रहे हो। फिर हम डंजा को देखते हैं जो बैंक को तबाह करके भाग रहा था। पुलिस उसका पीछा कर रही थी और उस पर हमला कर रही थी जिसकी वजह से डंजा कार से गिर जाता है और वो काफी जख्मी हो गया था। पुलिस डंजा को हॉस्पिटल में ले आते हैं और वो उसको डोरेमोन के पास एडमिट करते हैं। डंजा को वहाँ छोड़ने के बाद पुलिस नर्स वगैरह बाहर निकल पड़ते हैं। डंजा डोरेमोन को देखता है और वो सब्स्टिट्यूशन रॉब को देखता है और किसी तरीके से डोरेमोन और अपनी सोल चेंज कर लेता है। अब डोरेमोन डंजा है और डंजा डोरेमोन। चेकअप के बाद डंजा बाहर आता है जहाँ पर डोरेमी उसका वेट कर रही थी। डंजा बहुत अजीब तरीके से डोरेमी से बात कर रहा था और चेक करता है डोरेमी कौन है। डंजा देखता है डोरेमी उसकी बहन है। डोरेमी बोलती है आपको नोबिता के पास जाना चाहिए। डंजा बोलता है नोबिता ठीक है मैं उसके पास जाऊंगा और टाइम मशीन से उसके पास जा रहा होता है। यहाँ पर डोरेमोन डंजा की बॉडी में था। पुलिस बोलते हैं तुमने बहुत क्राइम्स कर लिए हैं और ये बहुत है, इस बार हम तुम्हें जाने नहीं देंगे और यहाँ पर ही कैद रखेंगे। डंजा की बॉडी में डोरेमोन बोल नहीं पा रहा था। वो बोलने की काफ़ी ट्राई करता है लेकिन बोल नहीं पाता। पुलिस मैन बोलता है कि अब तुम इसी चीज़ में जकड़े रहोगे और इसको तोड़ना नामुमकिन है, लेकिन डोरेमोन उसे तोड़ देता है। इस चक्कर में वहाँ का एक मिसाइल एक्टिव हो गया था। वो लोग वहाँ से भागते हैं। पुलिस बोलती है पकड़ो इसे। डोरेमोन तो फुल स्पीड में वहाँ से भाग रहा था और भागते भागते वो सिक्योरिटी वाले रूम के अंदर आ गया था जहाँ पर वो देखता है उस रोप से सोल को चेंज किया है और अब वो डोरेमी और नोबिता के साथ है। ये देख कर वो काफ़ी हैरान था। डोरेमोन छुप कर बाहर आ जाता है और डोरेमी के घर की तरफ बढ़ता है। शिवाशी डंजा की न्यूज़ देख रहा था तभी डोरेमोन वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर डोरेमी और शिवाशी डर जाती हैं। शिवाशी पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस वहाँ पर आ जाती है। डोरेमोन फिर से भाग जाता है और कूड़े में आकर गिर जाता है जहाँ पर आने के बाद वो काफ़ी दुखी हो गया था और बहुत थक भी गया था और बोलता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं। तभी उसको टाइम बेल्ट मिलती है जो ख़राब थी। डोरेमोन उसे ठीक करने की कोशिश करता है। डंजा नोबिता के पास आ गया था। नोबिता घर आते ही डोरेमोन को बहुत डोरा केक देता है। डंजा को मीठी चीज़ें पसंद ना थी। तभी वहाँ पर जियान और सुनियो आ जाते हैं और बोलते हैं नोबिता हम लोग बेसबॉल खेलने के लिए जा रहे हैं, हमारे साथ आ जाओ। नोबिता बोलता है कि आज डोरेमोन का बर्थडे है इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। डंजा को बेसबॉल पसंद था और वो बिल्कुल तैयार था और वो जियान और सुनियो के साथ जाता है। नोबिता देखता है डोरेमोन कुछ अजीब लग रहा है, उसने अपने डोरा केक नहीं खाए। ये सब लोग बेसबॉल खेल रहे थे। डंजा यहाँ पर फुल तैयार था और होमरन मारता है जिसकी वजह से टीम जीत गई थी और सब लोग काफी खुश थे। डंजा को भी अच्छा लग रहा था और वो काफी खुश था। नोबिता डंजा के पास आता है। डंजा नोबिता को भी ट्रेनिंग देता है और नोबिता भी एक होमरन लगा देता है। यहाँ पर डोरेमोन टाइम बेल्ट को ठीक कर रहा था और उसको ठीक कर लेता है। डोरेमोन काफी खुश हो गया था। वो लाल मार्बल पकड़ता है और टाइम बेल्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन टाइम बेल्ट में बैटरी ना थी इसलिए वो काम नहीं करती। तभी उसी वक्त ही वहाँ पर पुलिस आ गई थी
और बोलती है यहाँ पर सब कुछ खत्म होगा और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। डोरेमोन को शॉक लगता है और वो गिर जाता है। शॉक की वजह से टाइम बेल्ट चार्ज हो गई थी और वो काम कर जाती है। डोरेमोन टाइम में पीछे जा रहा था और नोबिता के पास आ गया था। डोरेमोन उठने के बाद नोबिता को पकड़ लेता है। नोबिता वहां से भागता है। ये देखकर डेंजा डोरेमोन पर हमला कर देता है और उसको पेलना स्टार्ट कर देता है। डेंजा डोरेमोन को फुल तरीके से मार रहा था और धो रहा था, जिसको देखकर नोबिता डेंजा को रोकता है। बोलता है, डोरेमोन तुम अजीब लग रहे हो। घर आने के बाद डेंजा बोलता है, ये रोबोट बहुत डेंजरस है, इसलिए मैं उसको मार रहा था। नोबिता बोलता है कि वो रोबोट बहुत शरीफ लग रहा था और शायद वो मुझे पकड़ने या मारने नहीं आया था। उसके बाद पूरी फैमिली डोरेमोन की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और रात को सो जाते हैं। डोरेमोन तो यहाँ पर काफी दुखी था और वो नोबिता को घर से उठा लेता है। डेंजा जब देखता है कि नोबिता गायब है तो उसको काफी गुस्सा आता है। तभी डोरेमोन की कॉल आती है और वो बोलती है, डेंजा तुम्हारे जमाने में आ गया है। डेंजा बोलता है वो यही है और डोरेमोन को पेलने के लिए निकल पड़ता है। डोरेमोन नोबिता से बात कर रहा था और नोबिता को मार्बल देता है। नोबिता पूछता है क्या तुम डो के, तभी वहां पर डेंजा आ जाता है और इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। डोरेमोन हार गया था, वहां पर पुलिस भी आ गई थी। नोबिता भागते हुए आता है और बोलता है तुम डोरेमोन हो ना। डोरेमोन अपना सर हिलाता है और बोलता है हाँ मैं ही डोरेमोन हूँ। डेंजा बोलता है तुम्हें कैसे पता लगा। नोबिता बोलता है डोरेमोन तो डोरेमोन है। डेंजा बोलता है ये सही कह रहा है, क्रिमिनल मैं हूँ और अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। और उस रोब से अपनी बॉडी चेंज कर लेता है। अब डोरेमोन अपनी बॉडी में आ गया था और वो काफ़ी खुश था। पुलिस डेंजा को ले जाती है और इसी के साथ इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बाय बाय।